अगे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी के कामों को देखते हुए उन्होंने तो खुश हो के 25 तो 30 पंचायत आम आदमी पार्टी शामिल हुई जड़िया पंचायत शामिल हुई उन्होंने धन्यवाद करता उन्होंने पूरा प्यार दिता जाता और धन्यवाद मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी का जिन्होंने किए कामों देख के लोग आम आदमी पार्टी का पल्ला फड़ रहे हैं। धन्यवाद है जलालजीत सिंह भुल्लर कैबिनेट मिनिस्टर का, धन्यवाद है सरदार प्रदीप सिंह धालीवाल साहब का कैबिनेट मिनिस्टर का जेड़े आके साडे हलके दे लोकां नूं ज्वाइन करके 25 तो 30 पंचायत मेन अकाली दल कामरेडियां जिहड़ियां बहुत वड्डा नहीं बहुत वड्डी जीत है जितांगे जित प्राप्त विरोधी रहा ही कोई नहीं। पिछली सरकार पंचायतों नूं कुछ नहीं मिलिया उन्होंने पिछलिया पंचायतों में सरकार के लीडर मिलते नहीं रहे ना कोई काम होंगे रहे साढ़े हल्के 20 साल तक कोई काम नहीं हो और 1.5 साल के करोड़ों रुपया लिया के अपने हल्के सामने वाले मार्ग की कृपा नाल मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने दिता कि करोड़ों रुपया मेरे हल्के लग रहा वो अपना ख्याल रखना तो पले की है। देखो जी श्री भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री पंजाब जिन्हों दियाँ साफ नीतियां अते अगाह वजू सोच करके असी पिछलिया रवायती पार्टियां श्रोमणी अकाली दल नूं छड्ड के इस पार्टी में शामिल होए हैं। साढ़े नाल लगभग 30 पंचायतां हलका सानेवाल दियां सरदार हरदीप सिंह मुंडिया MLA साहब दे कम सदका जतना सदका जिन्हां दे लगा करके असी ये पिंड सारे पिंड अपने तौर पर दिलों तनों मनों आम आदमी पार्टी जुड़े हैं अते पिछलियां पार्टियां जिन्होंने कि सिर्फ झूठ अते धोखे तो बिना सानू कुछ नहीं दिता आम आदमी पार्टी ने सरकार बनते ही सब तो पहला हरेक वर्ग अमीर नहीं गरीब नहीं हर एक बराबर रख के बिजली की सहूलत दिती अते लोकां नू वध तो वध रुजगार दिते कच्चे कामे पक्के किए गए अते जिस तरह उन्होंने जो भी वादा किया हरेक वादा पूरा किया ते कर रहे हैं। साडा राहो रोड हलका पैंदा राहो रोड के उपर जो सड़क साडी टुटी हुई है जो कि राहो नू जोड़दी है उस नू पिछलिया किसी भी सरकार वल्लों ध्यान नहीं दिता गया अते साडे लगभग 35 तो 36 मौतां हो चुकियां उस रोड ते बहुत बार हलका सानेवाल दे पुराने MLA शरणजीत सिंह ढिल्लों अते कांग्रसी इंचार्ज साहब नू बहुत असीं वास्ते पाए अते पिंडां दे पंचायतां कट्ठियां हो के गईयां परंतु किसी ने भी साडे वल कोई ध्यान नहीं दिता। जदों ही हुण इस गल तों सारिआं ने एक मन बना के हर एक पिंड ने जुड़ के जो रस्ता इह पिंडां लगदा जदों असीं सरदार हरदीप सिंह मुंडिया MLA साहब पास आए तां उन्होंने सानू पूर्ण भरोसा दिता अते जो भी PWD दा महकमा जो सड़क दे लई उहदे सानू SDO श्री अमित सोनी जी ने मिलाया अते JE साहब सरूप सिंह जी सानू मिले एक्शन साहब नू असीं मिल के आए जिन्हां ने सानू पूर्ण भरोसा दिता कि यह सड़क पास हो चुकी है अते बहुत जल्द बरसातों तो बाद इहदा काम चालू किया जाएगा अते जो असीं लगातार PWD डिपार्टमेंट नाल टच रहे हाँ अते उन्हां वल्लों कहा जो MLA साहब वल्लों कहा है वह किया गया है बहुत जल्द तुहाडे हलके का विकास किया जाऊगा। देखो जी लगभग असी 25 साल हो गए सानू पिंड दे सरपंच बनदे नूं श्रोमणी अकाली दल वल्लों मेरे दादा जी सरदार सरवण सिंह जथेदार सरदार प्रकाश सिंह बादल दे नाल जथेदार सन गुरचरण सिंह टौड़ा दे नाल जथेदार सन साडी शुरू तों ही असी साडी कट्टड़ अकाली हाँ परंतु जो बनदा माण अते जो हल्के लिए असी जो नगर लई आपदे हल्के लिए मंगिया उह सानू पूर्ण तौर ते दित्ता नहीं गया सिर्फ भरोसा दे के वापस कर दित्ता गया जिस करके असी दुखी हो के दूसरिया सरकारां वल आस छड्ड के हुण आम आदमी पार्टी का पल्ला फड़िया अते सानू पूर्ण भरोसा है कि आम आदमी पार्टी ने जो कहा वह किया है अगे भी इस तरह का होगा। इस तों बिना असी होर भी पंचायतों नू मुतबर व्यक्तियों नू सरपंचां लंबड़दारां नू असी सब हरेक वर्ग के आदमी नू यह बेनती करते हाँ कि पिछलिया पार्टियां नू देख चुके हाँ हुण एक बार मौका आम आदमी पार्टी सरकार का आया है वध चढ़ के इन्हां दा साथ दिओ अते जो भी तुहाडी इच्छा है तुसीं पिंड दे सरपंच हलका MLA मंत्री साहब सारिआं तक पहुँची जाऊगी और गल सुनी जाऊगी जो भी गरीबों की मंग है वह पूरी की जाऊगी। असली इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने सानू बनदा मान दिता गया है। पंच साहिबान पिंडां दीआं पंचायतां साढ़े MLA सरदार हरदीप सिंह मुंडिया जी की अगवाई दे विच अते अरविंद केजरीवाल जी ते सरदार भगवंत सिंह मान जी के कामों तो प्रभावित हो के आम आदमी पार्टी शामिल होए ने और मेरे नाल उन्हां नूं शामिल कराने वास्ते पंचायतों के पेंडू विकास से रूरल डिवेलपमेंट के जिहड़े साडे मिनिस्टर ने लालजीत सिंह भुल्लर होणी MLA साहब सारे आए हैं असी इन्हां नूं विश्वास दिंदे हां कि असी सानेवाल हल्के का विकास भी करांगे सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई हेठ और पार्टी के अंदर
इन्हों सब लोगों का इज्जत मान सम्मान करना साड़ी ड्यूटी होता जी ग्रांट जी आई नहीं जी रोड जी है डिवेलपमेंट नहीं हुई लेकिन लगातार मुड़िया साहब भी उस चीज़ की आवाज चलते लोग सर सर डेढ़ साल होया सुनो अजय डेढ़ साल होया साढ़े तीन साल बाकी जिन्ना भी एम एल ए साहब ने हुण तक भेजा पंजाब सरकार मान साहब नूं जां सानूं भेजा जां हुण लालजीत भुल्लर नूं भेजणगे असी उन्ने पैसे हुण तक जिहड़ा वो दिते आ क्योंकि हल्के बड़े वड्डे आ तुहानूं सहज सहज अगले छे महीनों सारे पंजाब च विकास जिहड़ा नज़र आना शुरू हो जूगा सड़कां बननियां शुरू हो जाणगियां सारा कुछ मतलब बनना शुरू हो जूगा जो भी मुड़िया साहब सानिया हल्के लिए मंगणगे मान साहब तो असी मंत्री सारे उद्दे होंगे कोई गल हाँ जी हाँ जी नहीं जी देखो केंद्र दियाँ कुछ मंगा जड़िया किसानों के नाल उन्होंने उस समय तय कीतियां ही वो नहीं पूरी हुई वो करके वो रेल रोको कर रहे हैं पर मैं तो किसान भीर बेनती करूँगा कि वो ठीक है अपना जो भी प्रोटेस्ट करना कर पर गलबात के रस्ते जोड़े वो बंद ना कर टेबल टाक जी है वो हर मसले का हल है और मेरा ख्याल है कि टेबल से जो बहेंगे तो अपने सब मसले जो हल हो जाए नहीं कोई गल नहीं चाहे एक पंजाब है जिथे आप बैठे एक पंजाब वैनकूवर के एक टोरंटो के एक लंडन के न्यूयॉर्क के कैलीफोर्निया के पंजाब पूरी दुनिया के फैलिया सर पंजाबियों भारतीयों कितने भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए साड़ी पील है कि दोवे देशों के जोड़े प्रधानमंत्री है बैठ के मित्रता ना अपना मसला जोड़ा वो हल कर हाँ जी वो तो सर मोदी के ये जोड़े सलूफे आना ही तुम छेड़ो ये मोदी साहब दड़िया चाल ने यह भारत के लोग हम कामयाब नहीं होंगे भारत के लोग इंडिया जोड़ा फ्रंट बढ़िया वो अगवाई दे अगली सरकार जी लोग सभा की वो बनूगी तुम देखो इंडिया सर साडे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी साडे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी जो डायरेक्शन देंगे वो होगा तुम घबराओ मतलब अलायंस होया जिदा कांग्रेस सरपंच जिहड़े शामिल भी होए ने कि अलायंस दे करके नहीं जी ये कमां नूं देख के ये काम ही अकाली दल दे काफी आ कमां नूं देख के मान साहब दे कमां तों प्रभावित हो गए हाँ अकाली दल दे जी मोदिया साहब दा जो उत्तर हल्के च काम रहा उसनूं किस तरह देखदे हो कि मैं असीं भी चाहुंदे आ मीडिया भी चाहुंदा कि हल्का सानेवाल दा डिवेलपमेंट होवे कि मोदिया साहब भी किते होऊगा इत्थे प्रशासन साहब आ देखो साडे एमएलए खड़े सारे लुधियाने दा विकास होऊ तुम घबराओ मैं कह सर मैं तुहानूं कह छे महीनिया बाद तुहानूं सड़कां ਲਾਈ ਅਰਗੀਆਂ ਦਿਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੋਂ ਨਹੀਂ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਟ ਕੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਾਗ-ਦਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 30 ਸਾਲ ਹੈ 30 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 80 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਅੱਜ ਸਰ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਕੂੜਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੂੰਜ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੂੰਜਾ ਜਾਊਗਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਆ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸਮਝੇ ਕਿਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੋਹ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਕੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬਾਪੂ ਕੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਕੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਸਾਡੇ ਦੇ ਦੁੱਖਤਾ ਚਿੰਦੀ ਕਰਦੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸੇ ਸਿੱਧੂ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮਿਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਆ ਅਤੇ 25 ਤੋਂ 30 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਜੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਜੀਰਾ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਿਆਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ
हरमन प्यारता ही इन्नी आ कि लोग आप धड़ाधड़ नहीं तो पहलियां सरकारां च आपां वेखदे रहे आ परचे करा के बाहवा मरोड़ मरोड़ के धक्के शहियां करके लोगों नूं शामिल किया जाता है। आम आदमी पार्टी की सरकार दे विच ना ते साडे किसे MLA ना मंत्री ना हलका इंचार्ज ने ना किसी चेयरमैन ने किसी भी वर्कर ना विरोधी पार्टी के ना कोई धक्का नहीं किया। लोग साडे प्यार नूं वेख के आम आदमी पार्टी नाल तुर रहे आ ते जिहड़ी प्यार नाल वोट पैंदी आ मैनूं लगदा वह वोट वड्डी गिणती दे विच हुंदी आ ते जिहड़ी आपां बाह मरोड़ के या परचा करा के किसी ना लैके नाल ते आ जांदा पर वोट नहीं देखो भावें नवजोत सिद्धू ने जो भावें विरोधी पार्टियां के जिन्हें भी लीडर ने उन्हां कोल प्रोपोगंडे तो बिना कुछ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी लोगों की पार्टी आ आम लोगों की पार्टी आ लोग आम आदमी पार्टी के किए कामों तो खुश ने यदा वह वेखो प्रतख तो प्रमाण आ वड्डी गिणती दे विच जिहड़े 25 तो 30 सरपंच आप ज्वाइनिंग कर रहे फिर इन्हां लोकां ने कोई शर्त नहीं रखी नहीं तो आपां पहलियां सरकारां दे विच वेहने हुंदे हां जिहड़े वर्करां ने आउणा दूजी पार्टी 'च उन्हां पहलां शर्त रखनी भी असीं चेयरमैन बनना असीं सरपंच बनना। ये सरपंच साडे भरा सिर्फ इक्को गल करके शामिल होए आप कहिंदे आ कि असीं मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान दे कम्मां नूं सलूट करदे आ चंगे काम मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं तो यो काम ही लोग चाहते हैं जोड़े काम मुख्यमंत्री साहब अमरीत सिंह बिट्टू लगातार क्या जा रहा आम आदमी पार्टी को उम्मीदवार ही नहीं साड़ी पार्टी को ले लो उम्मीदवार। देखो आम आदमी पार्टी को बड़े वधिया वधिया उम्मीदवार है तो जे आप विरोधी पार्टियां की गल करिए जेड़े उम्मीदवार लोग प्यार करते हो जोड़ा देखो कोई ये नहीं भी किसी तो कोई जे कोई BJP आ जा कांग्रेस आ जा अकाली दल से आते मोहर लग गई भी ये अकाली दल का ही आ कांग्रेस का ही आ जे कोई चंगा बंदा वो आम आदमी पार्टी आके सेवा करना चाहता तो लोग सर्वे दे उहदा नां लैंदे आ ते इहदे च कोई एड्डी वड्डी गल नहीं गी। जे आपां विरोधी पार्टियां की गल करिए उहनां दे विच वी नवजोत सिद्धू नूं मैच खेडदे नूं आ के इत्थे टिकट देती ते उहनां नूं लीडर बनाता इस तरह कई होर लीडर ने जिन्हां नूं मौके दे पार्टियां ने टिकटां दित्तियां टिकटा दे के लड़ाइया भी लीडर भी बनाया। सुखबीर बादल वालों कहा गया कि जो राघव चड्ढा का विआह होया जी जी फोर्स हैगी पंजाब वालों की फोर्स भी उत्ते लगाई गई। देखो जी सुखबीर बादल जी होनी जा कोई भी लीडर है रवायती पार्टी का उन्हों का काम रह गया प्रोपोगंडे करना उन्होंने देखा भी जी सियासी जमीन वो खिसक गई आ इन्हां लोगों की मनियाद पूरी हो चुकी आ ये हुण मनियाद तो बाहर ने जदों एक्सपायरी कोई दवाई हो जाती है लोग उन्होंने मूंह नहीं लाते। गवर्नर साहब के नाल जिहड़ा इस समय भगवंत मान साहब का चल रहा आंकड़ा वो बारे की कहना चाहूंगा। देखो गवर्नर साहब को चाहिए कि पंजाब सरकार बड़ी वधिया चल रही है तो दखलअंदाजी ज्यादा नहीं करनी चाहिए। साडा RDF फंड सेंटर ने रोकिया मार्केट फीस जी सा फसल विकती है उत्ते 3% सेंटर देता है वो 2% करती 1000 करोड़ वह घट गया होर कई तरह दियां जिहड़ियां ग्रांटा आउणियां सेंटर तो सारियां रोकियां जा रही धक्केशाही की जा रही है। पंजाब के लोग समझदार ने 2024 BJP अकाली दल कांग्रेस को मुँह तोड़वा पंजाब के लोग जवाब देंगे दस देंगे कि वाकई पंजाबी जुझारू ने संघर्षशील ने जिन्हें जिन्हें भी पंजाबियों ने धक्का किया उन्होंने मुँह दिखाने देखो EV बसा इलैक्ट्रॉनिक बसा जिहड़े साडे छोटे रूट आ जां जिवें एक बस स्टैंड उहनूं आपां बाहर करता जिवें पटियाले वाला ही आ मुख्यमंत्री साहब ने भी उत्थे ऐलान किया ही कि जिहड़ा पटियाले दा बाहरला बस स्टैंड है उहदे तों इलैक्ट्रॉनिक बसां जिहड़ियां अंदरले बस स्टैंड नूं चलाईआं जाणगीआं क्योंकि EV बसां जिहड़ियां उह छोटे रूट ते ते वारा खा जांदीआं जिवें 200 किलोमीटर वाला 250 वाला 150 वाला उत्ते अप डाउन करना हुंदा ते फिर वह EV बसां जिहड़ियां वारा नहीं खाणीआं उत्थे ते जां CNG जां जिहड़ियां डीजल वालीआं बसां उह चल सकदीआं जिहड़े छोटे रूट आ मुख्यमंत्री साहब की अगवाई के छोटे रूटा से EV बसा चलाई जा रही भाजपा वालों क्या गया सुनील जाट वालों कहते 50,000 करोड़ रुपये का कर्जा जो होर जाड़ता क्या जवाब नहीं दे रहे गवर्नर वालों की। देखो जाखड़ साहब से पहला कांग्रेस वाले भी सवाल करते रहे BJP वाले आप सवाल करते हैं जाखड़ साहब आप तो कभी आपकी पार्टी से पहला कांग्रेस के प्रधान रहे उत्थे जिते नहीं हुण BJP का बेड़ा कर करना यह आ जिहड़े मर्जी सवाल कर लैन इन्हां दे किसे सवाल का लोगों ने कुछ नहीं इन्हां नूं समझना क्योंकि इन्हां नूं बोर दे लोग जाखड़ परिवार नूं नकार सर लॉ एंड ऑर्डर कित्थे जाएगा पंजाब पुलिस का एक जवान जिहड़ा हैगा अपने घर वाली ही कुड़ता नज़र आ रहा उहनूं लैके की कहना चाहोगे इस समय कई भावें पंजाब पुलिस का जवान होवे तो भावें कोई होर होवे जिहड़ा कानून नूं हाथ च लवेगा उत्ते सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाऊगी जे पंजाब पुलिस के जवान ने आपकी घरवाली नूं जां किसी ने भी धक्का किया उत्ते सख्त तो सख्त कार्रवाई।